हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है छोटा ब्लॉग में। आप जो ये गाड़ी देख रहे हैं, देखिए गाड़ी आयसर, ये इसका मॉडल हो गया प्रो 2114 XP। तो आज हम सीखेंगे कि इसका मीटर कैसे सेट करेंगे अपने आप से, जैसे मेरे को पसंद है कुछ भी हो, किलोमीटर हो या डीजल के बारे में हो या कुछ भी स्पीड के बारे में, तो इसको हम कैसे सेट करेंगे, चलो देखते हैं। तो इससे पहले आप अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हर वीडियो तक पहुंचता रहे। तो ये देखिए, इसका ये मीटर दिया गया है, पूरा छोटा सा अच्छा मीटर है इसमें। ये देखिए, इसमें इधर जो है ये किलोमीटर है, मेरा मतलब कितना स्पीड में गाड़ी चल रहा है। नीचे देखिए डीजल फ्यूल का है, ठीक है। ये बीच में जो है ये फाका, इसमें एक LED डिस्प्ले दिया गया है, आपको अभी दिखाएंगे, चाबी ऑन करेंगे तो इसमें लाइट आएगा मेरा। ये हो गया, ये RPM का हो गया है, मेरा गाड़ी कितना RPM पे है, मतलब कितना इसमें चल रहा है। ये हो गया टेम्परेचर का, ठीक है। ये 4 मीटर दिया गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब आ जाते हैं, चाबी ऑन करते हैं, देखते हैं। ये देखिए आयसर वेलकम, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है इसमें। देखिए ये डीजल फ्यूल है, आपको बताएं अभी। ये देखिए, जैसे यहाँ पर टाइम है, यहाँ डेट है, यहाँ पर बैटरी वोल्ट है, यहाँ पर मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है, ये हवा प्रेशर है, यहाँ पर डेट है, कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं। ये किलोमीटर भी हम अपना मर्जी से हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मेरा मर्जी वैसे हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे 1, 2, 3, 4, ये 4 बटन दिया गया, इससे हमको चेंज करना है, ठीक है। ये चलते हैं, देखिए जो 1 नंबर बटन है ये मेनू बटन हो गया मेरा, ठीक है। मेनू बटन दबाएंगे हम, ये देखिए सब सेलेक्ट करने के लिए आ गया सेट। फिर से अगर इसमें हमको ओके करना है तो ये 4 नंबर बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, हो गया। देखिए इसमें आ गया, जैसे हम टाइम चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं, ये अलार्म हो गया, ऐसे हम अलार्म भी सेट कर सकते हैं, जैसे मोबाइल में रहता है ऐसे अलार्म भी हम सेट कर सकते हैं। तो मेरा भी सब कुछ ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, फिर से इसको ओके करना है और बस ये टाइम चेंज करने के लिए ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। ऐसे आप नीचे आ सकते हैं इसमें, ये 2-3 बटन दबा के नीचे आ जाइएगा, टाइम डेट जो भी आपको चेंज करना है, जो भी सेट करना है, ठीक है। अब फिर से चलते हैं बैक, एक बार फिर से मेनू बटन दबाएंगे तो बैक हो जाएगा मेरा। और फिर आपको जैसे आ गया फिर से रिसेट पर, इसमें पासवर्ड मांगेगा आपको, हम नेक्स्ट वीडियो में बताए थे पासवर्ड आप दे सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम, जैसे इसको चेंज करना है डिस्प्ले का, तो हम जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले ओके करते हैं। फिर आगे यहाँ पर ये जो 1 नंबर है उसमें फिर हमको फिर से यहाँ पर 4 नंबर बटन पर क्लिक करेंगे तो मेरा पूरा ऑप्शन आ जाएगा चेंज करने के लिए। ऐसे मेंटेनेंस रिक्वेस्ट लिख रहा है, इसको हम देखिए चेंज कर सकते हैं अभी। ये 3 नंबर बटन है, इसको दबाएंगे तो मेरा चेंज हो जाएगा, देखिए देखिए चेंज हो रहा है, कितना परसेंट चला है मेरा गाड़ी, कैसा चल रहा है सब कुछ बताएगा अभी। देखिए फिर देखिए चेंज हो रहा है, ये हो गया एड ब्लू। एड ब्लू का मतलब यही है कि BS6 में जो अभी नया गाड़ी में दिया गया है उर्जा, उसी को एड ब्लू बोला जाता है। अभी फुल है, मतलब मेरा टंकी एड ब्लू का फुल है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए ये हो गया मेरा मोबाइल का, ये कितना आवर्स किलोमीटर चला गाड़ी उसी के बाद बताएगा। ये टेम्परेचर हो गया, ये बैटरी वोल्ट हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, जैसे गाड़ी में भी न्यूट्रल हो रहा है तो न्यूट्रल बताएगा। जैसे जितना गियर लगाएंगे हम, दोनों में लगाएंगे, दोनों में बताएगा, बैक करेंगे तो रिवर्स R बताएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हो गया सेंसर का, जैसे कचरा हो जाता है उसमें, ये अगर फूल हो जाता है तो इसमें साफ करने के लिए दिया जाता है, वो भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, जैसे तो ऐसे ही आप अपना मीटर को सेट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।